जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जनरल एबिलिटी की वैसे तो कंप्लीट प्लेलिस्ट अवेलेबल है ऑलरेडी, उसके अंदर मैंने क्या डिस्कस किया मैं बता देता हूँ। उसके अंदर मैंने आप लोगों को मीन करवाया, मॉड करवाया, मीडियन करवाया, डेसिमल्स कराए, एज प्रॉब्लम्स हमने कवर की, उसके अंदर एक्सपोनेंट हमने कवर किया कंप्लीट टॉपिक, उसके अंदर हमने PPSC की परसेंटेज कवर की, और उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो भी मैंने अपलोड किए हैं। लॉजिकल रीजनिंग की अपलोड हैं, एनालिटिकल एबिलिटी के अपलोड हैं, ठीक है, एक एक चीज़ मैंने वहाँ पे कंप्लीट टॉपिक मैंने आप लोगों को करा दिए हैं। हमने फ्रैक्शंस को डिस्कस किया, हमने HCF, LCM क्या नहीं किया, पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप लोग देख सकते हैं। एक बात, उसके अलावा मेरे माइंड के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें आई हैं लास्ट ईयर जब PPSC का स्क्रीनिंग दे रहे थे बच्चे, तो वो मैं पेपर जब मैंने देखा है तो कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक वैसे तो बच्चों वाली हैं लेकिन जिनका मैथ का बैकग्राउंड नहीं होता उनको मसला होता है। तो आज काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ इंशाल्लाह एक वीडियो के अंदर। ये आप लोग ज़रूर कर लें, ये जब कर लिया ना आप लोगों ने तो मसला नहीं रहेगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक क्विक फार्मूलाज बता दूँ, आप लोगों को पता होना चाहिए क्योंकि MCQs के अंदर ये चीज़ें आती हैं ये चीज़ें। सर हम सबसे पहले एक चीज़ को डिस्कस करते हैं यहाँ पे कि हमारे पास सर्कल का टोटल एंगल कितना होता है। सर्कल का टोटल एंगल हमारे पास 360 डिग्री होता है, कितना 360 डिग्री। और राइट एंगल जो होता है ना, सुनिएगा बात को, राइट एंगल हमारे पास होता है 90 डिग्री का। मेरी प्लेलिस्ट खोलें, उसके अंदर टाइप्स ऑफ एंगल की वीडियो है, सारे एंगल मैंने डिस्कस किए हैं वहाँ पर, देखें उसको। राइट एंगल 90 का होता है, सर्कल के अंदर कोई राइट एंगल नहीं होता, ठीक है। उसके बाद अगली बात हम करते हैं स्केयर। स्केयर हमारे पास वो होता है जिसका टोटल एंगल जो है क्या होता है सर, इसका भी 360 होता है, ठीक है। और इसके अंदर राइट एंगल कितने होते हैं, इसके अंदर 4 राइट एंगल होते हैं। कितने एंगल होते हैं, 4 राइट एंगल इसके अंदर होते हैं, ये देखें 90 90 90 और ये 90, ठीक है। तो 90 मल्टीप्लाई बाय 4 कर लें तो हमारे पास 360 आता है, ठीक है। चले जी, ये हमारे पास हो गया स्केयर। उसके बाद हम बात करते हैं रेक्टेंगल की। ये शक्ल हमारे पास रेक्टेंगल होती है इस तरह, ठीक है। तो रेक्टेंगल का हमारे पास जो टोटल एंगल होता है वो भी 360 होता है, इसके अंदर भी हमारे पास जो है वो 4 राइट एंगल होते हैं। कितने एंगल होते हैं, 4 राइट एंगल हमारे पास होते हैं, ठीक है। स्केयर का जो एरिया फाइंड करने का फार्मूला होता है वो होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, या लेंथ का स्केयर, ठीक है। इसका जो पेरीमीटर फाइंड करने का फार्मूला होता है वो होता है 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ साइड, ठीक है। पेरीमीटर होता क्या है, पेरीमीटर होता है बैरूनी बाउंड्री, किसी भी शेप की जो बैरूनी बाउंड्री होती है उसे हम कहते हैं पेरीमीटर, ठीक है। अब इसकी देखें कितनी साइड्स हैं, 4। एक लंबाई लें, एक लंबाई, दूसरी लंबाई, तीसरी लंबाई, चौथी लंबाई, तो कितनी लंबाइयाँ हो गई, 4 लंबाई, तो ये देखो 4L लिखा हुआ है। पेरीमीटर जी होता है, एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, लेंथ का स्केयर, एरिया होता है दिस पोर्शन, ठीक है। इसी तरह रेक्टेंगल का ज़रा बताइएगा, रेक्टेंगल का एरिया हमारे पास होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। कल को कोई डाटा दे दे और आप लोगों को कहे कि एरिया फाइंड करके दें तो आप लोगों को पता होना चाहिए। और इसका पेरीमीटर का फार्मूला होता है 2 × लेंथ प्लस विड्थ, यानी लेंथ प्लस विड्थ करके फिर 2 से मल्टीप्लाई बाय करना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो चीज़ आती है वो है सर ट्राइंगल। ट्राइंगल में राइट एंगल एक ही होता है, वो ये वाला होता है। ट्राइंगल में राइट एंगल एक ही होता है, इसमें जब हमारे पास 1 राइट एंगल होता है, एक ही राइट एंगल हमारे पास होता है, इसका टोटल एंगल कितना होता है सर, ट्राइंगल का टोटल एंगल 180 होता है। कौन सा, 180 डिग्री होता है। अच्छा, आगे आप लोगों को मैं एक चीज़ पढ़ा रहा हूँ, सर उस चीज़ को समझिएगा। ट्राइंगल का टोटल एंगल 180 होता है, चाहे दुनिया की कोई ट्राइंगल भी हो, टोटल एंगल कितना होता है, 180 होता है। अब इस चीज़ को ज़रा समझें, ट्राइंगल की कुछ टाइप्स पढ़ा रहा हूँ, ज़रा गौर से सुने। ऐसी ट्राइंगल जिसकी ऑल साइड्स इक्वल हों, ऑल साइड्स इक्वल हों, पहली टाइप पढ़ा रहा हूँ ट्राइंगल की, तो उसे हम बोलते हैं इक्विलैटरल ट्राइंगल। क्या बोलते हैं, इक्विलैटरल ट्राइंगल। उसके एंगल कौन से होंगे, डेफिनेटली 60 60 और 60 ही होंगे, उसके अलावा तो हो ही नहीं सकता। ऐड करें सबको, बनता है 180, बनता है ना 180। तो ऐसी ट्राइंगल जिसकी तीनों साइडें बराबर हों, तो देखें 60 60 60,
तो क्या आ गया 180, शक्ल कुछ ऐसी होगी इसकी, ऐसी 60 60 60। ठीक है, सेकंड नंबर पे हमारे पास ट्राइंगल आती है आइसोसीलस। आइसोसीलस ट्राइंगल कौन सी होती है जिसकी टू साइड्स जो हैं वो इक्वल हों बट वन साइड जो है वो डिफरेंट हो। मेरी कोशिश है मैं जल्दी जल्दी आप लोगों को सारी चीज़ें कराऊं। जिसकी दो साइड सेम तीसरी डिफरेंट हो, तो ज़रा बताएं ना एंगल कौन से होंगे। दो साइड सेम, एक ही पॉसिबिलिटी हो सकती है कि दो 45 हों और एक हमारे पास 90 हो सकती है, और तो कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, 245, ये दो सेम एक डिफरेंट, ऐड करें बनता है 180, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, इसी तरह तीसरा हमारे पास आता है कि स्केलिन ट्राइंगल। स्केलिन ट्राइंगल कौन सी होती है जिसकी ऑल साइड्स डिफरेंट हों, जिसकी ऑल साइड्स क्या हों, डिफरेंट हों। तो जिसकी ऑल साइड्स डिफरेंट हों वो हमारे पास स्केलिन ट्राइंगल होती है। और इसके एंगल क्या होंगे, 90 हो सकता है, 60 हो सकता है, 30 हो सकता है, ऐड करें 180 बनेगा, इसके अलावा तो कुछ हो नहीं सकता। अच्छा, आइसोसीलस में एक और चीज़ हो सकती है, पता है क्या, 30 30 हो सकता है, 30 30 और 120 हो सकता है ना, दो सेम एक डिफरेंट, ऐड करें ये भी 180 बनता है। ठीक है, 30 30 120 हो सकता है, 45 45 90 हो सकता है। सर ये चीज़ें डन हो गई, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं और ज़रा बात को सुने। कुछ फार्मूलाज आप लोगों को कराना चाह रहा हूँ, आप लोगों को होना चाहिए पता, और उसके बाद हम एक चीज़ डिस्कस करते हैं, बल्कि पहले वही डिस्कस कर लेते हैं। हुजूर, आपको एक चीज़ का पता होना चाहिए कि अगर हमारी बेस पॉजिटिव है, अगर हमारी बेस पॉजिटिव है, मैंने माइनस का साइन नहीं लगाया, अगर हमारी बेस पॉजिटिव है, ऊपर पावर चाहे ऑड है चाहे इवन है, आंसर में माइनस आएगा। जब माइनस है ही नहीं तो कहाँ से आएगा, या तो आंसर पॉजिटिव ही आएंगे, चाहे ऊपर ऑड है चाहे इवन है। मसला तब बनता है जब बेस नेगेटिव हो। हेलो, अब यहाँ बच्चे गलती करते हैं, और इस तरह की चीज़ें वो एमपीटी के अंदर देता है, मैंने देखी हैं। वो कहता है बेस नेगेटिव हो उसे ओपन करें, किसके साथ आंसर में नेगेटिव आएगा और किसके साथ पॉजिटिव आएगा। यार अकल की बात है, ताक चीज़ों के जोड़े बनते हैं, नहीं बनते ना, ताक चीज़ों के जोड़े बनते नहीं हैं। तो -2 × -2 × -2 तीन बार खोलें, देखें तीन चीज़ें हैं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, एक माइनस तो रह नहीं जाएगी, रह जाएगी ना, ऑड है, ये ऑड है तो साथ माइनस आएगी, इवन है, इवन के बन जाते हैं पेयर, ये चार है ना, देखें चार, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, चार चीज़ें हैं, ठीक है ना, ये 1 2 3 4, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो बचा कोई माइनस नहीं बचा ना। तो ऑड में ये होता है, ये देखें -2 × -2 × -2, अब देखें ये तो माइनस माइनस प्लस हो गया, लेकिन एक भाई साहब तो खड़ा है ना, एक माइनस तो है ना, तो 2 2 4 4 2 8, ठीक। अब ऊपर पावर इवन है तो क्या आएगा, -2 × -2 × -2 × -2 माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, कहाँ गई माइनस, ख़त्म हो गई ना, 2 2 4 4 2 8 8 2 16, बात ख़त्म। अब कल को जो आपको पेपर में क्वेश्चन आए कि -1 की पावर 71, खुदा का खौफ, इसको 71 मरतबा खोलने बैठ जाओगे, वाघा बॉर्डर क्रॉस कर जाना है आप लोगों ने। सर -1 की पावर 71 खोलने बैठ जाओगे, अकल की बात है, 1 × 1 × 1 × 1 तो 1 ही आएगा, और ऊपर पावर ऑड है, एंड पे 1 है ना, ऊपर पावर ऑड है तो -7 आएगी, या फिर एलो, जिन्होंने वाघा बॉर्डर क्रॉस करना है उनको करने दो, और आप आंसर लिखो और घर आ जाओ। ठीक, सिंपल सी बात। ये क्यों मैंने बात बताई, ये इसलिए बताई क्योंकि पेपर के अंदर एक क्वेश्चन देता है, किस किस्म का देखें, वो यूँ कहता है, वो कहता है x³ − 2x² − 5x की वैल्यू फाइंड करें इफ़ x = −1। अगर x की वैल्यू इतनी है तो इस सारे भाई साहब की वैल्यू फाइंड करें। बच्चे परेशान, सर परेशान क्यों होते हैं, एक तो हर बात पे परेशान हो जाते हैं। तो ये देखो x की वैल्यू कितनी है, -1, ज़रा x की जगह -1 रखें, ऊपर कितना है 3 आ गया, ये -2 का -2 × x की जगह रखें -1 आ गया, ऊपर कितना है 2 आ गया, -5 का -5 और x की जगह x की वैल्यू रख रहे हैं, जहाँ जहाँ x है मैंने वहाँ -1 रख दिया, देखें ज़रा। अब आप गौर से सुनिएगा मेरी बात को,
माइनस वन की पावर ऑड, इसलिए तो सिखाया ऊपर, बताएं माइनस सात आएगी कि नहीं आएगी। डेफिनेटली ऊपर पावर ऑड है और माइनस सात है तो माइनस तो आएगी, ठीक है। अब बच्चे क्या करते हैं, पहले टू को मल्टीप्लाई करते हैं फिर पावर खोलते हैं। आप मुझे बताएं ये पावर टू की है या इसकी है? इसकी है ना, तो याद रहे पहले पावर खुलती होती है बाहर वाला, बाद में मल्टीप्लाई होता है अंदर। तो माइनस टू अभी वेट करेगा और माइनस वन की पावर ऊपर इवन, ऊपर टू है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये तो प्लस वन आएगा, माइनस खत्म हो गई। और ये भी माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, फाइव वन ज़ा फाइव, तो प्लस का फाइव आ गया। अब ये देखें ये माइनस का वन और ये माइनस का टू, वन ज़ा टू और प्लस का क्या आ गया फाइव, ठीक है। अच्छा दोनों माइनस के हों, दोनों माइनस के हों, अलामत माइनस की डिजिट ऐड हो जाते हैं, ख्याल कीजिएगा। और ये प्लस का फाइव, प्लस फाइव में से माइनस का थ्री निकाल दें, किस में से बच रहा है फाइव में से, फाइव किस चीज़ का प्लस का, तो प्लस का क्या बचेगा टू, सिंपल, ठीक। एक आधा और करते हैं, इस तरह वैल्यूज पुट करने वाले क्वेश्चंस भी आते हैं और इस तरह के क्वेश्चन भी कभी कभार आ जाते हैं। पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा एट एक्स थ्री वाई फाइव ओवर समथिंग समथिंग दिस एंड दिस एंड दिस, क्वेश्चन आ जाएगा, कहेगा सिंप्लीफाई, क्या करें सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई करें इसको भाई। सिंप्लीफाई करना है तो देखें आप गौर से, ऊपर एट है नीचे ट्वेंटी फोर है, ओके। नीचे एक्स स्क्वायर है ऊपर एक्स क्यूब है, तो नीचे वाले को मैंने वैसे रहने दिया और ऊपर वाले एक्स क्यूब को मैं तोड़ के मैं थोड़ा और आगे कर दूं आप लोगों को ना, और अच्छे से नज़र आएगा जी। नीचे वाले एक्स स्क्वायर को मैंने वैसे लिख दिया, ऊपर वाले एक्स क्यूब को मैं तोड़ के ऐसे लिख रहा हूँ कि नीचे वाले से कट जाए, कि ऊपर एक्स तीन है ना, तो उसको मैं यूँ लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर और एक एक्स, पता है लिख सकता हूँ। एक्स क्यूब को मैंने तोड़ के यूँ लिख दिया एक्स की दो और एक एक्स, भाई दो और एक तीन ही तो बनता है। इसी तरह ऊपर वाई की पाँच है नीचे वाई की छः है, तो ऊपर वाई की पाँच को वैसे लिख रहा हूँ और नीचे वाले वाई की छः को मैं ऐसे तोड़ रहा हूँ वाई की पाँच और एक वाई। मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने इसलिए किया कि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर का काम खलास हो जाए और वाई फाइव से वाई फाइव कैंसिल हो जाए। एट वन ज़ा एट, एट थ्री ज़ा ट्वेंटी फोर, जो बचा ज़रा लिखवाएं मुझे, ऊपर कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा सिवाय एक्स के, तो एक्स आ गया, नीचे क्या बचा थ्री वाई, हो गया सिंप्लीफाई, बात ख़त्म। इस तरह के क्वेश्चन पेपर के अंदर आते हैं, ठीक है। एक वीडियो और बनेगी इंशाल्लाह बेसिक की, वो आप लोगों ने करनी है, ठीक है। तो इन चीज़ों को अच्छे से कवर करें और इन चीज़ों को रिवाइज करें, प्रैक्टिस करें और स्टे ट्यून्ड फॉर मोर, इंशाल्लाह मैं जल्द ही अपलोड करूँगा, ठीक है जी। थैंक यू।